नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। सो आज मैं आपके सामने बात करूंगी ओवेरियन सिस्ट को लेके। यस, हमारे सामने बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका जनरल क्वेरी होता है, मैम मुझे सिंपल सिस्ट है, मुझे कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, मुझे चॉकलेट सिस्ट है, मुझे डर्मोइड सिस्ट है, बट वे सोचते हैं सारे ओवेरियन सिस्ट एक जैसे होती है। सो आज इस वीडियो में हम इस चीज को, जो आपका भ्रम है, वो दूर करेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ओवरी क्या होता है। ओवरी हमारे गर्भाशय का मेन पार्ट है। यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हमारा ऑर्गन है, पेल्विस में दोनों तरफ बादाम के आकार के जितनी ओवरीज होती है, जिसमें हर महीने से फीमेल का एग बनकर निकलता है, एक फोलिकुलर बनता है, एक थैली जैसा, और जिसमें से ओवम रप्चर होकर निकलता है। सो ओवरीज जो है हमारे बॉडी में हार्मोन्स के सिक्रेशंस के लिए बहुत वैल्यू रखती हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हमारा AMH लेवल, ये सब हमारी ओवरीज के ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर ओवरीज का साइज सही होगा, वे बल्कि नहीं होंगे, उनमें कोई गांठ नहीं होगी, उनके फंक्शनल्स में कोई रुकावट नहीं होगी, तो हमारे हार्मोन्स अच्छे से चलेंगे। और ओवरीज में कोई भी दिक्कत होती है, सो नो डाउट कि ये हमारे लिए इनफर्टिलिटी भी कोज कर सकता है। सो ओवरीज का सही रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट को लेके। ओवेरियन सिस्ट सबसे पहले होती है नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट, जिस जो फॉलिकुलर सिस्ट और सिंपल सिस्ट हम इसको बोलते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट जब आपके ओवरी से हर महीने एक एग निकलता है और वो एग कहीं ना कहीं उसमें से ओवम तो रिलीज हो जाता है, बट जो उसकी थैली है वो डिजोल्व नहीं हो पाती, तो वो फॉलिकुलर सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। वो कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट में भी कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ओवम तो रिलीज हो गया, बट उस ओवम को संभालने के लिए अंदर जो लिक्विड था वो एक ठोस पदार्थ के रूप में बन गया। और जो सिंपल सिस्ट होती है, फॉलिकुलर सिस्ट होती है, उसमें जनरली आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप डिजोल्व हो जाती है आपके सही खान पान से, टाइम पे सोने से, कुछ डाइट और अपना आपको रेगुलर टाइम पे एक्सरसाइज और योगा करने से। सो ये आप हमारी होती है नॉर्मल सिस्ट। उसके बाद आता है हमारी कॉम्प्लेक्स सिस्ट, जिसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट जो होती है वो दांत या किसी सॉलिड बाल गुच्छे के टाइप की बनी होती है, जो हमें सर्जरी करके ही निकाल सकते हैं, और उसका ज्यादातर इलाज नहीं अवेलेबल है, मेडिसिन का कोई उसमें काम नहीं करते। फिर हमारी एंडोमेट्रियोमा सिस्ट होती है। एंडो की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, जब वो सही रूप से ना बनकर अपनी जगह से हटकर ओवरीज तक आ जाती है उसकी स्कारिंग टिश्यू, तो वहाँ पे भी कुछ खून के गठाने बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोमा सिस्ट, और उसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। जब बार बार उसमें ब्लड होता है और वो डार्क ब्राउन कलर की, चॉकलेट कलर की हो जाती है, देन उसको हम चॉकलेट सिस्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद आती है आपकी कॉम्प्लेक्स सिस्ट में ही आपकी सिस्टोएडेनोमा सिस्ट। जो सिस्टोएडेनोमा सिस्ट होती है वो ओवरीज के ऊपर की तरफ बनती है, जो हमारी ओवरीज है उसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिस्टोएडेमा, यानी कि स्वेलिंग होकर, और वो बिनाइन होती है, यानी कि ट्यूमर टाइप होती है, समटाइम्स वो टॉर्च्ड भी हो जाती है, यानी कि वो जो बिनाइन सिस्ट होती है ओवरी के ऊपर, उसमें पेशेंट को पेन होता है। ज्यादातर ये उन फीमेल्स में होती है जो 30 साल से लेकर 45 साल तक की एज है, या फिर जिनका सोने का पैटर्न, उठने का पैटर्न सेट नहीं है, बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक नहीं है, तो वो टॉर्चरस सिस्ट उनको पेनफुल हो जाती है, तो वो भी सर्जरी करके हमें निकालनी पड़ती है। कुछ हद तक 50-60% तक उसमें आयुर्वेदा काम करता है। अब जैसे कि मैंने बताया, आपकी फॉलिकुलर सिस्ट, आपकी जो कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, और जो आपकी सिंपल सिस्ट होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद आपकी एंडोमेट्रियोमा सिस्ट को रिजोल्व कर सकता है, उस पर काम करता है, और वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपकी ठीक हो जाती है। फिर जो आपकी डर्मोइड सिस्ट आती है, उसका बारे में मैंने बताया, आपको सर्जरी ही करवानी पड़ती है। उसके बाद जो आपकी बिनाइन टॉर्चरस सिस्ट होती है, उसमें हम कुछ हद तक ही रिजल्ट दे सकते हैं, यानी कि 50-60%, इट्स ऑल डिपेंड उसका साइज क्या है, वो कितनी पुरानी है। आपकी जो फंक्शनल और फॉलिकुलर सिस्ट और सिंपल सिस्ट होती है, उसको आयुर्वेद आराम से रिजोल्व कर देता है, और वो आपको सही टाइम पे अगर आप आयुर्वेदिक उपचार ले तो PCOD आपका कंप्लीटली रिजोल्व भी कर सकता है। सो हाँ, इन सिस्ट में अगर आपको कोई भी तरह की सिस्ट है, सो आप
इनलिंक इश्यूज पे जो भी मैंने आपको बताया आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जरूरी कुछ रेमेडीज आपको फॉलो करनी है। आपको कैस्टर ऑयल पीना शुरू करना है। आपने क्या करना है, अपने लोअर एब्डोमेन पे कैस्टर ऑयल से मसाज करनी है। नाभि में 4 बूंद रात को सोते वक्त कैस्टर ऑयल की डालनी है और रात को सोते वक्त 2 से 3 चम्मच कैस्टर ऑयल लुकवार्म पानी में पीना है। सेकेंड आपको क्या करना है, खाने में नॉनवेज को बिल्कुल स्टॉप करना है। वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करता है और जिसकी वजह से क्या रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म जैसे ही डिस्टर्ब हो आपकी हार्मोन एक्टिविटी पुअर हो जाती है। थर्ड आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है। आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। जैसे ही आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और हार्मोन्स आपके सुचारू रूप से चलेंगे जिसकी वजह से आपकी सिस्ट अपने आप रिजॉल्व होगी। फोर्थ आपके हम आयुर्वेद में जो करते हैं आपकी बिनाइन सिस्ट को हम ट्रीट करते हैं, एंडोमेट्रियोमा को करते हैं, फंक्शनल को और सिंपल सिस्ट को, हेमरेजिक सिस्ट को हम ठीक करते हैं, उसमें हम शोधन कम सबसे पहले करते हैं। ऐसे पेशेंट्स पे जनरली देखा गया है उनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और उनका बॉडी में कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है। उनसे पूछा जाता है जब भी कि स्टूल कैसा आता है, वे बोलते हैं कि दिन में हम 2 बार जाते हैं, टाइट आता है, तो हम पित्त पे काम करते हैं। हम ऐसे पेशेंट को विरेचन कर्म करवाते हैं और उसके बाद ही हम मेडिसिन चलाते हैं जो कि कुछ लेखनीय मेडिसिन होती है जो उसका ना सिर्फ साइज छोटा करती है बल्कि उनको कम्प्लीटली रिजॉल्व करती है। और कुछ योगा आसन जैसे कि चक्र आसन है, बटरफ्लाई आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है और जो कि आपकी मसल्स एक्टिविटीज को भी ठीक करता है, लोअर एब्डोमेन की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करेगा जिससे आपकी ओवरीज जो है उन तक ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगा और वो सुचारू रूप से काम करेंगी, वो अच्छे से काम करेंगी। सो आयुर्वेद में आपकी जो भी सिस्ट है, चाहे वो आपकी फंक्शनल सिस्ट है, चाहे फॉलिकुलर सिस्ट है, चाहे सिंपल सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, बिनाइन सिस्ट है, एंडोमेट्रोमा सिस्ट है, उसका इलाज संभव है। डर्मोइड सिस्ट के लिए आपको सर्जरी ही इंटरवेंशन आपको करवाना पड़ेगा, वही ऑप्ट करना पड़ेगा। धन्यवाद।